अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाइयों आज हम सूर्य इख्लास पढ़ने की फजीलत के बारे में जानेंगे। सूर्य इख्लास पढ़ने का तरीका, हिंदी में सूर्य इख्लास पढ़ने की फजीलत, सूर्य इख्लास पढ़ने के फायदे। तो भाइयों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूँ एहतास अली और आप देख रहे हैं एहतास अली दीन की बातें। तो भाइयों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो भाइयों शुरू करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों इसका तर्जुमा है, कह दो अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा है, और भाइयों उसका कोई शरीक नहीं है, उसके कोई बराबर नहीं। भाइयों ये सूरह इख्लास का तर्जुमा है। और भाइयों अब इसकी फजीलत के बारे में जान लेते हैं। भाइयों सूरह इख्लास पढ़ने की सबसे पहली फजीलत है, जो शख्स एक मरतबा सूरह इख्लास पढ़ता है उसको एक तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी एक मरतबा सूरह इख्लास पढ़ने पर एक तिहाई मतलब 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलता है। भाइयों सूरह इख्लास पढ़ने की दूसरी फजीलत यह है कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इख्लास पढ़ता है यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ता है तो भाइयों उसको एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। भाइयों उसको एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे बेहतर है कि 3 मरतबा सूरह इख्लास पढ़ने पर एक कुरान का सवाब मिल रहा है। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है। कुरान में हर सूरत और हर आयत की अपनी अलग अलग फजीलतें हैं। जैसे सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ने पर 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो भाइयों ये बेहतर है, भाइयों ये बेहतर है कि 3 मरतबा आप सूरह इख्लास पढ़ें, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने का अपना अलग सवाब है। हर आयत का, हर हरूफ का अपना अलग अलग सवाब होता है। और भाइयों सूरह इख्लास पढ़ने की तीसरी फजीलत यह है कि सूरह इख्लास को फातिहा में पढ़ा जाता है। सूरह इख्लास के बिना फातिहा मुकम्मल नहीं होती है। और भाइयों सूरह इख्लास पढ़ने की चौथी फजीलत यह है कि सूरह इख्लास को हर तरह की बरकतों के लिए पढ़ा जाता है। दुकान की, कारोबार की, घर की बरकतों के लिए पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और भाइयों सूरह इख्लास पढ़ने की पाँचवीं फजीलत यह है कि सूरह इख्लास को नज़र से बचने के लिए, और भाइयों सूरह इख्लास को हर तरह की बीमारियों से बचने के लिए, हर तरह की बीमारी से शिफा के लिए अलग अलग तरीके से सूरह इख्लास को पढ़ा जाता है। भाइयों सूरह इख्लास इतनी छोटी सूरत है कि कोई भी इसे आसानी से हिफ्ज़ कर सकता है। तो भाइयों आप सबसे गुजारिश है कि सूरह इख्लास को ज़रूर से ज़रूर हिफ्ज़ कर लें। और ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।